हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टीम डी ऑफिशियल। और मैं हूं ब्लैक साउट। तो आज मुकाबला होने वाला है टीम डी वन ऑफ सर्वाइवर्स। जी हां, टीम डी की तरफ से बात करें तो आरएनएस, आर्यन और याही और रॉकर भी आ चुके हैं, तो साथ साथ डी रॉकर। और अब बात करें अगेंस्ट में सर्वाइवर्स गिल्ड, तो सर्वाइवर की तरफ से जीमन और लूफी और इनके साथ साथ धारिया और इनके साथ साथ अंकुर। यह है पूरी सर्वाइवर्स की स्क्वाड। अगेंस्ट में है टीम डी। देखने वाली बात होगी बैटल कैसे होने वाला है टीम डी वन ऑफ सर्वाइवर्स। और यहाँ पे काफी बड़ा बैटल होने वाला है दोनों तरफ से। डी रॉकर आ चुके हैं सीधा का सीधा बैटल इस गेम के अंदर। सिंगल बैटल ही आपको देखने में नजर आएगी। जी हाँ, टीम डी वन ऑफ सर्वाइवर्स का मुकाबला, तो देखते हैं कैसा बैटल होने वाला है। रूफी के सामने बंदा है, नॉक ले गए, क्या ही नॉक निकाला है सर्वाइवर रूफी। स्टार्टिंग ही अपने पश्चिम लहरा दिए हैं टीम डी के ऊपर। 3v4 सिचुएशन हो चुकी है। टीम डी के तीन बंदे हैं, डी रॉकर, डी आर्यन और डी आई। एक फ्रेंडली वर्सेस चलता हुआ दोनों ही टीमों और दोनों गिल्डों के बीच में। जी हाँ, अंकुर जीजे को नॉक ले लिया गया हेड से, तो हेड से आया डी आई का डेजर्ट से बॉडी शॉट और कंप्लीट 3v3 पर सिचुएशन है। मैच देखते हैं कैसे चलने वाले हैं। दारिया और इनके साथ साथ लूफी, लूफी फिर से नॉक हो गए हैं, तो 3v2 पर मैच आ चुका है। जी मैन देखते हैं क्या करता है। सामने बताया देखने वाली बात होगी बैटल कैसे होने वाला है। 2v2 है दोनों साइड, दोनों टीमें चाहती है पहला राउंड कौन सी टीम लेगी। सामने बताया डैमेज दिया एक गोली का और पंच मारने की क्या समझ ही रहा है सर, हाथ में गन दी आई डी रॉकर के और डबल किल मार गए डी आई। 1-0 से लीड में है टीम डी। दूसरा राउंड है, फैक्ट्री का राउंड है। 1-0 से लीड में यहाँ पे टीम डी की स्क्वाड अगेंस्ट में सर्वाइवर्स। तो सर्वाइवर्स की स्क्वाड देखते हैं क्या करने वाली है सामने। जब टीम डी है अनलिमिटेड एमओ नो है इसके अंदर। जी हाँ, दोनों टीमें अनलिमिटेड एमओ नो में खेलते हैं इस क्लास स्क्वाड के बैटल में। तो देखने वाली बात होगी बैटल कैसे होने वाला है। दोनों तरफ 4v4 है, सर्वाइवर्स चाहेगी वापसी करना इस मुकाबले के अंदर। देखने वाली बात होगी सामने से बंदा रहा है, सीधा बंदा रहा है डी रॉकर के पास, रफ्तार है मूवमेंट, क्या ही लाल मार है। सीधा रख लेंगे बंदे की हेल्थ 20-30 होती है और यहाँ पे क्या होगा इस गेम के अंदर देखने वाली बात होगी। रॉकर रुके नहीं, रुक रहे हैं नॉक, तो बीच में घुसेंगे हसर बिगड़ जाएगा। और यहाँ पे बात करें 2v3 सिचुएशन का मैच आ चुका है। डी आई 3 किल के साथ पीछे से खेलते हुए सर्वाइवर का एक ही बंदा बचा है। कौन बचा है दारिया। दारिया को डीजे को भी नॉक मिलेगा अकेले दारिया और कंप्लीट 2-0 की लीड में आ गई है टीम डी। तीसरा राउंड है, फैक्ट्री का राउंड है। टीम डी की स्क्वाड 2-0 से लीड में है। जी हाँ, फैक्ट्री का नहीं शिपयार्ड का राउंड है, तो लास्ट राउंड दिमाग में अब तक रह गया है। तो देखने वाली बात होगी बैटल कैसे होने वाला है। आर्यन के हेल्थ बहुत ज्यादा लोग हैं, सर्वाइवर के एक बंदे को नॉक लेके हेल्थ लो हुई है, तो बंदे को कंप्लीट कर देंगे। बात करें तो डी रॉकर फिर से रश में घुसते हुए, डी आई सामने एक और बंदा है, दारिया इनके साथ साथ यूपी से काफी उम्मीद होंगी। देखने वाली बात होगी डेंजर लुक में आए हैं, क्या डेंजर गेम प्ले दिखा पाएंगे। जी हाँ, डेंजर हेडशॉट जरूर दिखाए इन्होंने और क्या ही बैटल कर दो यहाँ पे सर्वाइवर्स की स्क्वाड वापसी कर रही है टीम डी की स्क्वाड में, आर्यन और रॉकेट। जी हाँ, जब तक ये दो बंदे जिंदे पूरा का पूरा दमखम दिखाएंगे टीम डी की स्क्वाड। क्या पे हारती हुई नजर आ रही है इस राउंड के अंदर, क्या सर्वाइवर्स की स्क्वाड वापसी कर रही है देखने वाली बात होगी। एक बेहतरीन सीएस बैटल चल रहा है दोनों ही टीमों के बीच में। जी हाँ, और देखने वाली बात होगी यहाँ पे तीसरा ही राउंड है, अभी मैच जस्ट स्टार्ट ही हुआ है और कौन सी टीम लीड लेने वाली है पहले ही मैच से। देखने वाली बात होगी बेस्ट ऑफ 3 होना है। टीम डी का एक बंदे को नॉक ले गया और डी आर्यन यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। बात करें तो और कब दिया जाएगा दारिया क्या, तो 1-3 सिचुएशन अकेले डी रॉकर या एक टीम बंदों को संभाल पाएंगे। इनको तो अच्छा खासा नॉक दिया है, सामने दो बंदे 1-2 सिचुएशन। डी रॉकर करने का दमखम रखते हैं पर सामने सर्वाइवर्स की स्क्वाड है, यहाँ पे दमखम पूरा दिखा पाएंगे। और हेल्थ अब तक कम हुई है और 50 से आज जोन की गई और दो शॉट और पड़े बंदे कंटिन्यू पीछे हैं, भगाया जा रहा है और 20-30 की हेल्थ लेकर घूम रहे हैं। किल आ चुकी है अंकुर जी की और सामने है दो बंदे लूपी और दारिया। दारिया देखते क्या कर पाते हैं यहाँ पे अकेले। डी रॉकर कंटिन्यू भाग रहे हैं, वॉल के अंदर फंस चुके हैं अपनी की और अपने आप को कंटिन्यू हील कर रहे हैं। यहाँ पे बात करें तो सर्वाइवर्स की स्क्वाड पूरा का पूरा ढूंढ रही है कि बंदा गया तो गया कहाँ और बंदे ढूंढ नहीं रहे और बॉल तोड़ी जाएंगी, बॉल में पहुंच चुके और यहाँ पे इलिमिनेट और 2-1 से वापसी कर रही है यहाँ पे सर्वाइवर्स। चौथा राउंड है, मील का राउंड है और सर्वाइवर्स की वापसी हो रही है टीम डी की स्क्वाड पे। क्या वापसी को नहीं नजर लग गई, क्या नहीं नजर लग गई। आरएनएस का फर्स्ट ब्लड आ चुका है, अंकुर को नॉक ले गया है, वापसी करने के डंके बजा दिए टीम डी की स्क्वाड में अगेंस्ट सर्वाइवर्स। तो देखने वाली बात होगी बैटल कैसे होने वाला है। सर्वाइवर्स की स्क्वाड की तरफ से बचे हैं अकेले जीमैन, तो जीमैन के सामने 1-4 सिचुएशन। मैच बदलता हुआ नजर आ रहा है, टीम डी की स्क्वाड लीड लेती हुई नजर आ रही है। सर्वाइवर्स की स्क्वाड पर मुसीबतें आ रही है और 3-1 से लीड में आ गई अब टीम डी।
पांचवा राउंड कटोल स्टीवा का राउंड, टीम डिकी स्क्वाड 3-1 से लीड में आ चुके हैं। अगेंस्ट में सर्वाइवर्स के सर्वाइवर्स की स्क्वाड वापसी करेगी टीम डिकी स्क्वाड पे, देखने वाली बात होगी। दोनों तरफ 4v4 है, चार चार बंदे दोनों टीमों की तरफ से खेल रहे हैं। दोनों गिल्डों की तरफ से एक फ्रेंडली वर्सेस, तो देखते हैं इस वर्सेस में क्या होने वाला है। सामने बात करें तो डीआई की हेल्थ तो बहुत ज्यादा लो कर दी गई है इस गेम के अंदर, आपको कोई भी बंदा यूज करते हुए नहीं दिखेगा। जी हाँ, सिर्फ एक ही बंदा सिंगल बैक्टर यूज कर सकता है। फर्स्ट रैंक देखने वाली बात होगी, और यहाँ पे नॉक ले लिया गया। यहाँ पे एक बंदे को नॉक ले लिया गया, जी मैन को नॉक ले लिया गया। फिर भी 4 स्विचेस में मैच आएगी, तो इस गेम के अंदर सिर्फ सिंगल बैक्टर यूज करते हुए आपको बंदे दिखेंगे। डीआर ने इसको क्या ही शॉट मारा है। जी जैंगोर अपने बंदे को यूज करते हुए मैच आ चुका है, फिर से बंदे को नॉक ले लिया। लिमिटेड एमो नो, तो विली बॉल का यूज भरपूर किया जाएगा और जी मैन को हील किया जा रहा है। बात करते हो कंटिन्यू रसमान जल्दी की एक और किल पर, बंदे का सपोर्ट एक और बंदे नॉक, तो टीम डी की स्क्वाड 4-1 से लीड में आ गई अगेंस्ट सर्वाइवर्स। तो क्या लगता है आपको, यहाँ पे टीम डी की स्क्वाड कंटिन्यू डोमिनेट करती रहेगी, क्या वापसी कर पाएगी सर्वाइवर्स, क्योंकि इन दोनों के बीच में बेस्ट ऑफ 3 होने, क्या यहाँ पे पहले ही मैच से डोमिनेट परफॉर्मेंस कर पाएगी टीम डी की स्क्वाड। तो कमेंट करके अभी से बताएं लोगों इस मुकाबले को कौन जीतने वाला है, सब इसी वक्त इसी टाइम पे। अगर कोई बाद में वगैरह बताए तो आप सबको पता चल ही जाएगा कि चीटिंग हुई है या हुआ ये हुआ है। तो भाई बताने की जरूरत नहीं है, जो भी बताने वाले हो सिर्फ अभी बताना है कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतने वाली है, क्योंकि बेस्ट वर्सेस बेस्ट हो रहा है। टीम डी में अब सर्वाइवर्स हो रहा है। टीम डी की तरफ से बात करें तो 5 किल करके डीआई खेल रहे हैं, 6 किल करके डीआरएन, 4 किल के साथ रॉकर और 3 किल के साथ डीआरएनएस, 3 किल 3 अक्षर नाम में। और भाई बात करेंगे इसमें सर्वाइवर्स की स्क्वाड है, जहाँ 1 किल के साथ जी मैन खेल रहे हैं, लूफी 2 किल के साथ खेल रहे हैं, और यहाँ पर धारिया 0 किल के साथ, और अंकुर 3 किल के साथ बैटल में लूफी 9 खेल गया। हाइट पर चढ़े पर हेडशॉट आ गया और स्क्वाड भी खत्म हो गई। तो मैं बात करें सर्वाइवर्स की स्क्वाड यहाँ पे पिछती हुई नजर आ रही है अगेंस्ट में टीम डी, क्या सर्वाइवर्स की स्क्वाड आपको वापसी करते हुए नजर आएगी या नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत तगड़ी मुसीबतों में फंस चुकी है इस बार सर्वाइवर्स की स्क्वाड, क्योंकि टीम डी की स्क्वाड एक तरफा गेम प्ले के लिए सीधा सीधा रस मार के स्क्वाड को वाइप कर रही है। क्या यहाँ पे सर्वाइवर्स की स्क्वाड मुंह तोड़ जवाब दे पाएगी बाद में रिटर्न में या नहीं, देखने वाली बात होगी। क्या टीम डी स्क्वाड कंटिन्यू डोमिनेट करती रहेगी, क्योंकि करंटली वर्सेस चल रहा है दोनों टीमों के बीच में। जी हाँ, इस मुकाबले को चाहे टीम डी जीते चाहे अपनी सर्वाइवर जीते, तो जनाब हेट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए दोनों टीमों में किसी के लिए भी, क्योंकि एक प्यारा सा वर्सेस हो रहा है दोनों ही गिल्डों के बीच में। जी हाँ, और यहाँ पर बात करें 8 के 8 बंदे आमने सामने झोड़ रहे हैं एक छोटे से मैदान के बीच में। केप टाउन का ये राउंड है, दोनों टीमें आमने सामने, वहाँ पर देखने वाली बात होगी। और एक बंदे को टीम डी के को नॉक लेने गया, डी रॉकर डी आर एम एस नॉक है, तो सर्वाइवर्स ने पूरे के पूरे हारे थे और यहाँ पर वापसी करने के संकेत दे दिए सर्वाइवर्स ने, तो सर्वाइव टाइम फॉर फाइट, और एक बंदे को नॉक ले गए, अकेले आर्यन रह गए। तो यहाँ पर कंटिन्यू वापसी करने के संकेत दे दिए, दो मजा दिए यहाँ पर बात करें तो सर्वाइवर्स की स्क्वाड ने, अकेले डी आर्यन रह गए। मार्स मेलो को लोगो लगा के खेल रहे हैं पीछे की तरफ, तो काफी प्यारे लड़के टीम डी की तरफ से, छोटे से ज्यादा टीम डी के 7 किल के साथ खेलते हुए यहाँ पर स्पोर्ट रेंज खेलना प्रेफर कर रहे हैं। आजकल गेमों में बात करें तो काफी अच्छा बैटल चल रहा है, 1-on-3 सिचुएशन में गेम्स खेल रहे हैं डी आर एन। देखते हैं क्या कर पाते हैं, क्या नीचे जाएंगे या फिर ऊपर से ही यहाँ पे अपने आप को एलिमिनेशन देना बेटर समझेंगे, देखने वाली बात होगी। मेरे ख्याल से एलिमिनेट तो नहीं देंगे, क्योंकि सामने जब 3 बंदे हैं तो वो वापसी करना जान सकते हैं। ओह क्या मार दिया भाई, क्या मार दिया डी आर एन के हाथ में भाई, कोई भी गन दे दो यार, लिटरली कोई भी गन, हर एक गन चला ले प्रेफर करता है छोटा सा ज्यादा टीम डी का। क्या ही हेड मारा, 7 किल के साथ खेल रहे हैं और हील कर रहे हैं अपने आपको, पर सामने 3 बंदे जो वो भी बेस्ट है अपने आप में, तो बंदे भी दमदम रखते हैं अकेले बंदे को दौड़ाना चाहे भगाने का। तो देखने वाली बात होगी डीआरएन क्या करने वाले हैं, सामने 3 बंदे और डीआरएन कंटिन्यू रख लेते हो, आगे पीछे भागे पीछे से बंदे आ रहे हैं, 3 बंदे कंटिन्यू उनके पीछे आ रहे हैं, क्या 3 बंदे कंटिन्यू, और यहाँ पर डीआरएन क्या ही भगा रहे हैं 3 बंदे को, कंटिन्यू आगे पीछे भागते हुए बंदे को हवा दिया गया, बंदे ट्रिपल किल यहाँ पे सर्वाइवर्स अंकुर जी जे की, और 5-2 से वापसी कराते हुए अपनी टीम को। और यहाँ पे अगला राउंड है अपना क्लॉक टावर का राउंड, जी हाँ अगला तुगला राउंड क्लॉक टावर का राउंड, 8वां राउंड, जी हाँ 8 इकाई का राउंड क्लॉक टावर का राउंड। तो देखने वाली बात होगी यहाँ पे घड़ी के राउंड में क्या होने वाला है, घड़ी का खतरा मन रहा था वहाँ पे सर्वाइवर की स्क्वाड के ऊपर, देखने वाली बात होगी इस टकरे को, इस खतरे को टाल पाएगी क्या यहाँ पे सर्वाइवर्स की स्क्वाड अपने ऊपर से। जी हाँ, बहुत ही भारी भरकम खतरा मन रहा है, इस टाइम की घड़ी को निकालना पड़ेगा क्लॉक टावर से ही। तो देखने वाली बात होगी बैटल कैसे होने वाला है, इतनी थोड़ी सी कमजोर मेरी यहाँ पे बात करें तो सकता हूँ हमें, और यहाँ पे डी रॉकर ऊपर जाते हुए 200 का पिंग, आई डोंट नो हाउ कैसे ऊपर चला गया, और यहाँ पे आओ ये ग्लो बॉल के नीचे को निकल कर जादू दिखा गए जीरो पर चीरो पर। आओ भाई जनाब कहाँ जा रहे हो, नीचे तो मिलो, ये आपका वेट कर रहे हैं, यहाँ पर बात करें बंदों ने नॉक करके जनाब कहाँ अकेले आप हाइट पर जा रहे हो, हमसे तो हाई नहीं करते समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, और ये हो क्या रहा है भाई,
अरे भाई एक दो तीन तीन बंदे तीन चार बंदे बंदों को हिल कर जा रहा है, क्या हो रहा है बंदा करते हुए पूरी को समझ नहीं आ रहा। आखे बंदा पे और अपने बंदे को हिल कर लिया है डी आर्यन। डी आर्यन क्या ही पारी खेल गया, बाहर निकलते बंदों को बचा भी लिया और तीन बंदों को अकेले तब और क्या ही वापसी करा दी अपनी टीम को। टीम डी को 6-2 से एक पल लगा कि सर्वाइवर्स की स्क्वाड इस राउंड को जीली ले जाएगी, पर जिस पल डीआरएन अपनी डबल बैरल चलाई लगातार कंटिन्यू वापसी करी और इस वक्त बढ़त राज के एफर्ट से टीम डी स्क्वाड 6-2 से। लग रहा था कि सर्वाइवर्स की स्क्वाड ने वापसी करना स्टार्ट कर दिया, यूनाइटेड दिखाने लगे पर वो खतरे की घड़ी। जी हाँ, क्लॉक टावर का राउंड पड़ गया हमारी टीम सर्वाइवर्स के ऊपर, तो देखने वाली बात होगी। ये बैटल है कोची लॉक का, दोनों टीमें आमने सामने, इस लॉक के अंदर कौन किसको लॉक करने वाला है, काफी बड़ा मुकाबला है। लास्ट राउंड अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो का लाइक एम 30,000 रहने वाला है। जी हाँ, इस वीडियो पर 30,000 लाइक आते हैं तो लगेगा कि आपको चीज़ कुछ पसंद आई है, जो इस बंदे ने आपके लिए सामने प्रेफर करिए एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए। सीएस कर रहे हैं टीम डे बंदा, आप सर्वाइवर जो एक फ्रेंडली वर्सेस चल रहा है, अगर इस वीडियो पर 30,000 लाइक नहीं आते जनाब थोड़ा सा दिल को धक्का लगेगा कि बंदे पसंद नहीं कर रहे हैं हमारे वर्सेस को, तो देखने वाली बात होगी। जनाब जो भी आ रहे हो लाइक करने में बिल्कुल देरी ना करें, क्योंकि एक पैरा वर्सेस चल रहा है सबके सामने, 4v4 है, दोनों तरफ है, टीम डे की स्क्वाड राइट से जा रही है, सर्वाइवर्स की स्क्वाड हम चाहते हैं कि इस मैच में वापसी करें, अगर मैच में टक्कर करनी है तो देखने वाली बात होगी। अब बंदे अंदर हो चुके हैं, टीम डे की स्क्वाड अंदर है, सर्वाइवर की स्क्वाड का प्रेशर होगा एक को पता चल चुका है भाई और 6-3 से वापसी कर रही है सर्वाइवर्स की स्क्वाड, और क्या ही गेम प्ले चल रहा है दोनों ही टीमों की तरफ से। 10वां राउंड है, सैंटोसा का राउंड है, तो देखने वाली बात होगी क्या पे सैंटोसा में सर्वाइवर्स की स्क्वाड वापसी कर पाएगी कंटिन्यू कमबैक का। और यहाँ पे दारिया को नॉक ले लिया गया, जी हम दारिया को दाल बना के बेच दिया इस गेम के अंदर, तो काफी अच्छा गेम चल रहा है सर्वाइवर्स की स्क्वाड भी एक बार खेल रही है। लूफी सर्वाइवर्स की स्क्वाड को पूरा यहाँ पे जीत दिला सकते हैं। बंदा अंदर घुसा, डैमेज दिया 12 के अंदर, लूफी को नॉक ले लिया आपने, पानी फेर दिया और 7-3 से मुकाबला जीत गई टीम डी अगेंस्ट सर्वाइवर्स। तो बेस्ट ऑफ 1 था ये, अभी बेस्ट ऑफ 2 आप सबके सामने 30,000 लाइक के बाद आएगा जनाब, और 10 किल डी आर्यन की रही, जी एमवीपी रही टीम डी की तरफ से डी आर्यन अगेंस्ट में अंकुर जीजे 7 किल के साथ एमवीपी रहे, पर लूफी ने क्या ही गेम प्ले दिखाया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो 30,000 लाइक देखते से पूरी हो जाने, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी एवरीवन, लव यू ऑल।